हैं नादाब, मैं हूं युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। साबिक रुकन पार्लियामेंट चौधरी मुनव्वर सलीम की रहलत। साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद सालिम अंसारी ने ताजियत की। विदिशा पहुंचकर उन्होंने पसमांदगान से मुलाकात की। तो नाज़रीन पेश है ताजियत पर एक रिपोर्ट। मारूफ सियासतदान, सहाफी, समाजी कारकुन और साबिक रुकन पार्लियामेंट चौधरी मुनव्वर सलीम की रहलत मुल्क मिल्लत के लिए एक बड़ा खसारा है। चौधरी मुनव्वर सलीम की रहलत पर उनके वतन विदिशा में जहां एक तरफ साबिक काबिनी वजीर मोहम्मद आजम खां और दूसरे बड़े लीडरान पहुंचे और अपने रंज व गम का इजहार किया, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद सालिम अंसारी भी उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे और अहले खाना से मुलाकात की, नीज उनकी खिदमत में अपनी तरफ से ताजियत पेश की। उन्होंने चौधरी मुनव्वर सलीम की बेबाकी और उनकी ज़िंदगी पर तायराना रोशनी डाली। भाई चौधरी मुनव्वर सलीम साहब चूँकि मेरे पड़ोसी थे दिल्ली में, हम लोग एक साथ पार्लियामेंट जाते थे आते थे और उनका कोई जवाब नहीं है। इतने मिलनसार आदमी थे, तमाम गरीब परवर थे और विदिशा के साथ साथ यूपी में भी बहुत मकबूल हो गए थे और आजम खान साहब के तो करीब थे ही, लेकिन हम लोगों के भी दिल में थे, वो बड़े भाई जैसे थे और हमेशा जब बुरा दिन आता था तो लाठी की तरह वो खड़े हो जाते थे, कहते थे भाई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम सियासी उतार चढ़ाव आए लेकिन कभी मैंने चौधरी मुनव्वर सलीम साहब को मायूस नहीं देखा, हमेशा उनके हौसले बुलंद रहते थे। अल्लाह से दुआ है उन्हें जन्नत में मुकाम दे और उनके कुंबे को सब्र जमील अता फरमा दे। बहरहाल जो भी इस दुनिया में आया है उसको पलट कर बारगाहे इलाही में जाना है और बकौल डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी, जिंदा रहता है ज़माने में अमल और किरदार, रूह का क्या है किसी वक्त निकल जाएगी। डॉक्टर नासर खातून रिजवी की रिपोर्ट, एमएमसी न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। नाज़रीन तो फिर हम हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।